आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों मैं हिमांश क्लियर आईपीएस क्लर्क एग्जाम एंड सेलेक्टेड इन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों जिनका आरआरबी पीओ मेंस का एग्जाम है प्लस एसबीआई क्लर्क मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अंदर आज अपन बैंक के हेडक्वार्टर की याद करेंगे सारे, ठीक है। जितने भी हेडक्वार्टर है और उससे उनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैं बताऊँगा। पेमेंट बैंक, स्मॉल बैलेंस और पब्लिक सेक्टर जितने भी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो पूरी देखना दोस्तों। काफ़ी आपको एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100% मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एसबीआई क्लर्क के अंदर लास्ट ईयर भी हेडक्वार्टर से क्वेश्चन आया था, बैंक के हेडक्वार्टर से। और भी मैं वीडियो डेली अपलोड करूँगा, जल्दी जल्दी करूँगा, जितनी ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक के हेडक्वार्टर याद करते हैं अपन, क्योंकि ये पार्ट केवल करंट अफेयर से ही अपने ज़्यादा स्कोर नहीं होता, ये पार्ट भी कवर करके चलना पड़ता है, ठीक है। आदित्य, आदित्य बिरला, आइडिया पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक प्लस फिनो पेमेंट बैंक और NSDL पेमेंट बैंक, NSDL, इन सब का हेडक्वार्टर है दोस्तों, इन चारों का हेडक्वार्टर है मुंबई, ठीक है। तो आदित्य, जियो, फिनो, NSDL, इन सब का हेडक्वार्टर है मुंबई। NSDL का इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है। फिर पांचवें नंबर पे है पेटीएम वाला, पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, ठीक है। सॉरी, पेटीएम वाले का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली नहीं है दोस्तों, पेटीएम पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है नोएडा, मिस्टेक हो गई, नोएडा यूपी। और जो लास्ट में है ना, छठे नंबर पे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक। तो एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है दिल्ली, ठीक है, और पेटीएम पेमेंट बैंक का है नोएडा यूपी के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या बनती है, वो बनती है कि आपको पूछेंगे एग्जामिनर कि फर्स्ट पेमेंट बैंक कौन सा है इंडिया के अंदर। तो फर्स्ट पेमेंट बैंक का नाम आप जरूर याद रखना, उसका हेडक्वार्टर तो एयरटेल पेमेंट बैंक, फर्स्ट पेमेंट बैंक उसका नाम है एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक, ये इंपॉर्टेंट है। उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, वो पेटीएम वाले का अपन ने गलती कर दी तो अब याद रहेगा, पेटीएम पेमेंट बैंक का कहाँ है, नोएडा यूपी के अंदर, ठीक है, क्लियर हो गए ये वाले तो, ठीक है। अब करते हैं अपन स्मॉल फाइनेंस बैंक, दूसरे नंबर पर किनके करना है, स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर है, सबसे पहला कैपिटल, स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है जलंधर, जलंधर पंजाब के अंदर, पेटीएम, ठीक है, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जलंधर। अगला है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसका हेडक्वार्टर है वाराणसी यूपी। अगला है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका हेडक्वार्टर है नवी मुंबई, ठीक है, क्लियर हो गया। कैपिटल का जलंधर, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष का वाराणसी, उत्कर्ष यू से स्टार्ट हो रहा है यूपी, सूर्य नवी मुंबई की तरफ से निकलता है, ऐसे याद कर लो आप, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। फिर अगला है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, AU वाले का हेडक्वार्टर है जयपुर, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जयपुर राजस्थान। अगला है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक तो काफ़ी न्यूज़ में था, तो इससे रिलेटेड ये अभी क्यों न्यूज़ में था ये मेरे को बताना, क्योंकि इससे इम्पोर्टेंट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई के अंदर। यहाँ तक क्लियर हो गए आपके, अब आगे देखते हैं अपन आगे कौन से इंपॉर्टेंट है। आगे है अब, हाँ, तीन सबसे इम्पोर्टेंट, जो तीनों का हेडक्वार्टर एक साथ, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो यहाँ पर किसका हेडक्वार्टर है, ये इन तीनों का हेडक्वार्टर है बेंगलोर, जान जीवन केयर बेंगलोर, ठीक है। अब बाकी है दो और, बाकी है टोटल 10 है ना। अब है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका तो नॉर्थ ईस्ट में ही होगा, ऑब्वियसली बात है, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो इसका हेडक्वार्टर है गुवाहाटी के अंदर, गुवाहाटी असम, ठीक है। अब लास्ट है
ईसेप स्मॉल फाइनेंस बैंक, ईसेप स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका हेडक्वार्टर त्रिशूर केरला, त्रिशूर केरला। तो क्लियर हो गया। कैपिटल उत्कर्ष सूर्योदय, कैपिटल का जलंधर, उत्कर्ष का यू से यूपी वाराणसी, सूर्योदय सूर्य नवी मुंबई से उगता है, एयू स्मॉल फाइनेंस एयू जयपुर, इक्वेटर स्मॉल फाइनेंस बैंक चेन्नई, जान जीवन केयर बेंगलोर, नॉर्थ ईस्ट का नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी असम में होगा, ई सेफ का त्रिशूर। ठीक है, पेमेंट बैंक क्लियर हो गए। अब पेमेंट ये सॉरी स्मॉल फाइनेंस बैंक क्लियर हो गए। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे अब बताना। स्मॉल फाइनेंस बैंक पहला, फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम बताओ, तो वो है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर भी मैंने बता दिया, हेडक्वार्टर जलंधर के अंदर। इंपॉर्टेंट, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा जो लास्ट ईयर आया था, वापस आ भी सकता है, कि फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक का नाम बताओ, उसका हेडक्वार्टर बताओ। फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक जो ऑपरेट करेगा, जो ऑपरेट कर रहा है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, बढ़िया स्टैटिक में आ सकता है। फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक जो ऑपरेट है स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, तो वो है शिवालिक मर्केंटाइल। शिवालिक मर्केंटाइल, मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, उसका हेडक्वार्टर है सहारनपुर यूपी, सहारनपुर यूपी। ये क्वेश्चन बन सकता है। और इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो आप बताना कि स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन करने के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायर, ठीक है, प्लस स्मॉल फाइनेंस बैंक का प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट कितना है, ये दोनों चीज़ बताना मुझे। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन पब्लिक सेक्टर बैंक। और पब्लिक सेक्टर के अलावा जितने भी बैंक, बड़े बड़े बैंक हैं और बैंक से रिलेटेड जैसे सेबी आरबीआई, इन सब के बताऊंगा इसका। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो लास्ट, जिसके लास्ट में इंडिया आता है ना, उन सबका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा हमारा बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, नेक्स्ट है एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, प्राइवेट भी देख लेना एक बार क्योंकि पूछ लेते हैं तो अपने को याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएंगे। अगर ICICI बैंक, फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, लास्ट में इंडिया आ रहा है इसके भी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, लास्ट में इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, IDBI बैंक ऑफ इंडिया, IDBI है ना, उसके अलावा IDFC बैंक, यस बैंक। ठीक है, ये जितने यहाँ लिखे हैं इन सब के हेडक्वार्टर कहाँ हैं, मुंबई के अंदर, याद रखना। ये ट्रिक बता दी मैंने कि लास्ट में इंडिया आएगा उसका हेडक्वार्टर तो मुंबई में ही है, आगे और है मुंबई के अंदर वो भी मैं बताता हूँ। उसके बाद इंसेंट बैंक, इंसेंट बैंक का भी मुंबई के अंदर है, कोटक महिंद्रा, सेबी, RBI, ICICI लोम्बार्ड, इन सबका हेडक्वार्टर कहाँ है, ICICI लोम्बार्ड इनका हेडक्वार्टर है, इनका भी मुंबई है। क्लियर हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थे। अब और जो पब्लिक सेक्टर जिनका मुंबई में नहीं है उनकी बात करते हैं अपन। ठीक है, अब 16 ये अलग है, जो इंडिया से स्टार्ट होते हैं ना, इंडियन ओवरसीज बैंक, ओवरसीज बैंक IOB बोलते इसकी शॉर्ट फॉर्म, या इंडियन बैंक, इंडियन बैंक जो इंडिया से स्टार्ट होते हैं ना, उन दोनों का हेडक्वार्टर, उनका हेडक्वार्टर है चेन्नई। तो इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है, चेन्नई। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं जो पंजाब से स्टार्ट होते हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक या पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक जो पंजाब से स्टार्ट होता है उसका हेडक्वार्टर है दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है धनलक्ष्मी, अब केरल, अब ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा। धनलक्ष्मी बैंक और फेडरल बैंक, लास्ट ईयर SBI क्लर्क मेंस के अंदर फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर पूछा था,
ठीक है, तो ये इन दोनों का हेडक्वार्टर है केरल, क्लियर हो गया। धनलक्ष्मी और फेडरल, फेडरल बैंक के अंदर केरल में भी पूछे तो अलपुजा, अलपुजा कोच्चि, कोच्चि और फिर केरल, ठीक है। अगला है यूको बैंक, ये भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, और बंधन बैंक, बंधन बंधन बैंक, इन दोनों का हेडक्वार्टर है कोलकाता, क्लियर। फिर है बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा ही वडोदरा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे, कैनरा बैंक। अब कैनरा बैंक का जहाँ है, जहाँ जहाँ जीवन केयर का है, तो ये है बेंगलोर के अंदर। अब है सिटी यूनियन बैंक, बैंक या करूर वैश्य बैंक, करूर वैश्य बैंक, इनका है तमिलनाडु, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। अगला है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, धारवाड कर्नाटक, धारवाड कर्नाटक। और ये है नेक्स्ट एसबीआई कार्ड, ये इम्पोर्टेंट है एसबीआई कार्ड का, गुरुग्राम हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है। नेक्स्ट पीछे करते हैं, अभी और बाकी है थोड़े से इम्पोर्टेंट, धारवाड कर्नाटक। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई बट कोई दिक्कत नहीं है। कितने नंबर हो गए हमने, 25, 25। और किसका है, धारवाड कर्नाटक, हाँ कर्नाटक बैंक, कर्नाटक बैंक का मंगलुरु, मंगलुरु। फिर है के एफ डब्ल्यू बैंक, ये जर्मनी का बैंक, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आए हुए हैं एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। डीबीएस बैंक का हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर भी जर्मनी है, डीबीएस बैंक का हेडक्वार्टर है सिंगापुर, क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तब आप बोलोगे हाँ सही बोला। एचएसबीसी का लंदन, एचएसबीसी बैंक का लंदन। अब स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन प्लस जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनके पढ़ रहे, तो उनके मैं अलग से बताऊँगा, कमेंट जरूर करना। एगोन लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का मुंबई। एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट में रह गया है वो है, ये आ सकता है कि फर्स्ट आरआरबी का नाम बताओ, फर्स्ट आरआरबी का नाम, आरआरबी तो बहुत सारी है, या तो स्पॉन्सर्ड होती है, तो ये है प्रथमा बैंक। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुरादाबाद यूपी, मुरादाबाद यूपी। अब और जो भी वीडियो चाहिए कमेंट करना, ठीक है दोस्तों, और वीडियो लाइक जरूर करना। ओके, हैव अ नाइस डे।